अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईसीटी के लेक्चर में 23 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम कंबाइंडली इंटरनेट कहते हैं। तो ये इंटरनेट किस तरह से बनता है, नेटवर्क किस तरह से बनता है, कौन सी डिवाइसेज इस्तेमाल की जाती हैं और किस तरह से काम लिया जाता है, वो सारा इस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया हुआ है। आज के इस लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो हैं कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वाई इंटरनेट, डिवाइसेज यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क दिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क को जानने से पहले मैं वर्ड जो नेटवर्क है इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा कि देखें, नेटवर्क अगर डेली लाइफ के अंदर हम देखें तो हम जो दोस्तों का एक ग्रुप होता है वो एक नेटवर्क होता है। एक क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एक आपस में नेटवर्क है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका भी आपस में नेटवर्क है, या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनका आपस में एक नेटवर्क है, या आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो उनके जितने मेंबर्स हैं उनका भी आपस में एक नेटवर्क होता है। और उसके अलावा अगर आप चींटियों को देखेंगे तो उनका भी आपस में एक नेटवर्क होता है। वो कोई अगर टास्क परफॉर्म करते हैं तो साथ साथ चलते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, रिसोर्सेज आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर नेटवर्क को देखें तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ये होगा, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज कनेक्टेड टुगेदर वाय अ चैनल इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा एंड रिसोर्सेज। कंप्यूटर्स और डिवाइसेज किसी चैनल के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे और आपस में डेटा या फिर रिसोर्सेज शेयर करेंगे, तो इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से बनता है आगे वाली स्लाइड्स के अंदर हमने दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपके नेटवर्क जो है उसके अंदर यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज। कंप्यूटर खुद एक डिवाइस है लेकिन इसमें ये कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेज के बारे में कह रहा है। वो प्रिंटर्स हो सकते हैं, आपके स्कैनर्स हो सकते हैं और दूसरे डिवाइसेज हो सकते हैं। इट मे कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं, आपके डिजिटल डिवाइसेज और भी हो सकते हैं। ईच डिवाइस इन ए नेटवर्क इज नोन एज नोड। जो भी डिवाइस इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा उसको हम नोड कहेंगे, यानी कि कंप्यूटर को भी नोड कहेंगे, स्कैनर को भी नोड कहेंगे, प्रिंटर को भी नोड कहेंगे और जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे सबको नोड कहेंगे। अब हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट थे रेमंड जॉन, जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कंप्यूटर नेटवर्क भी कोई चीज होती है। तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, पिछली स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स तो उसको हम नेटवर्क कह रहे थे, कंप्यूटर्स और डिवाइसेस तो उसको हम नेटवर्क कह रहे थे। वो एक आपका नेटवर्क आ गया, जैसे कि ये एक नेटवर्क है। अब इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्टेड होंगे तो उसको हम इंटरनेट कहेंगे। यानी कि यहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है क्लियरली लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये देखिए, एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, पांच छह नेटवर्क, यहां पर जब इनका आपस में एक नेटवर्क बनेगा तब इसको हम इंटरनेट कहेंगे। इंटरनेट इज द ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। पूरे दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो हम उनको इंटरनेट कहते हैं। यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स, एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, पांचवा नेटवर्क, ये सब आपस में जब मिलते हैं और ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तब इनको हम इंटरनेट कहते हैं। हालांकि इंटरनेट का कोई भी ऑनर नहीं है, हर कोई वो बंदा जिनका कंप्यूटर ऑनलाइन है, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो भी इंटरनेट का ऑनर है। इंटरनेट का कोई एक ऑनर नहीं है, लेकिन इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट था वो विंडसर्फ ने दिया था। इसको हम आप कह सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपके पास सवाल आ जाए कि इंटरनेट किसने बनाया या इंटरनेट के जो है कॉन्सेप्ट इंटरनेट का किसने दिया, तो आप विंडसर्फ का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इंटरनेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने की। तो इंटरनेट के बहुत सारे पर्पसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले भी यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन। एजुकेशन पर्पस के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स को हम सर्च कर रहे होते हैं, उनमें से नोट्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, कोई ना कोई हेल्प ले रहे होते हैं। अभी इस वक्त जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और ये स्लाइड देख रहे हैं, ये आप यूट्यूब से आप देख रहे हैं, तो ये भी इंटरनेट है। तो ये एजुकेशन पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद है आपके पास एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के अंदर आपके पास आप सॉन्ग सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, तो ये आपके एंटरटेनमेंट में आ जाता है। देन कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करने के लिए, कोई ईमेल करने के लिए या कोई मैसेज सेंड करने के लिए, यानी कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू, तो ये भी एक यूज़ है। डेटा शेयरिंग, अगर आपके पास कोई डेटा है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, आपके पास नोट्स हो सकते हैं, आपके पास ऑडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उनका जो शेयरिंग आप कर रहे हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। देन उसके बाद ब्राउजिंग होता है, आप किसी ब्राउजर पर कोई चीज़ सर्चिंग कर रहे हैं, सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं,
तो ये इंटरनेट का आप यूज कर रहे हैं, ब्राउजिंग उसको कहते हैं, यानी कि एक ब्राउजर पे, इंटरनेट ब्राउजर पे अगर आप कोई सर्च कर रहे हैं तो ये आपका ब्राउजिंग कहलाएगा। डिवाइसेस यूज्ड फॉर इंटरनेट, इंटरनेट के लिए कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे पास मेन तीन जो है यहाँ पर कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के अंदर जो है आपके पास कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड मोबाइल और बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आपके पास वायर्ड यानी के तारों के जरिए या फिर वायरलेस सिग्नल्स के जरिए, रेडियो वेव है, उसके बाद आपके पास इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, तो इस तरह की ये आपके पास सिग्नल्स हैं, वायरलेस सिग्नल्स हैं। देन उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आपके पास राउटर्स, स्विचेस, हब, इस तरह के डिवाइसेस आते हैं जो जिनको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। अगर हम इनकी पिक्चर्स को देखें तो यहाँ पर आप देखें डिवाइसेस में आपके पास लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आपके पास राउटर, स्विचेस एंड हब्स आती हैं। अगर आप ट्रांसमिशन मीडिया को देखें, वो वायर्स या फिर वायरलेस मीडिया या मीडियम, तो वो है आपके पास जैसे ऊपर ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल रखा हुआ है, उसके बाद कोएक्सियल केबल है। देन आप लास्ट में देखें तो यहाँ पर आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है। और इसके बाद वायरलेस के लिए आपके पास मुख्तलिफ आप देखेंगे आपके शहरों में टावर लगे हुए हैं, या फिर आप इस तरफ अगर आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस में देखें तो आपके पास जो राउटर है, जो वायरलेस राउटर जहाँ से आपको वाईफाई के सिग्नल्स मिलते हैं, तो ये भी एक तरह का ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि दोनों के अंदर आ रहा है। ट्रांसमिशन मीडिया भी आता है और कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर भी आता है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट्स, पांच कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। सबसे पहले आपका मैसेज होता है। अब मैसेज क्या है, वो डेटा जो कि आप सेंड करना चाहते हैं। दूसरा होता है सेंडर, एक कंप्यूटर होगा जो कि इस मैसेज को सेंड करेगा। तीसरा रिसीवर होगा जो कि इस डेटा को रिसीव करेगा, सेंडर जो भेजेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम, कौन सा मीडियम इस्तेमाल करेगा, यानी कि वायर होगा या फिर वायरलेस होगा। पांचवा आता है सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देखिए, यहाँ पर वो पांचों दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास मैसेज आ गया, मैसेज आपका ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या आपके पास जो है टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। सेंडर आएगा, एक कंप्यूटर होगा जो कि सेंडर होगा। फिर ये रिसीवर होगा या डेस्टिनेशन होगा। देन ये कहाँ से ट्रांसमिट होगा, एक ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। फिर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट चलाने के लिए आपको सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यानी प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमारे पास आता है मैसेज। अब मैसेज क्या है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, ये आइकन्स को देखें, यहाँ पर देखिए आपके पास ये टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, इमेज के भी फॉर्म में हो सकता है। यानी कि ये आपका असल में मैसेज है जो कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज रहे हैं या किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका मैसेज होगा। अब वो मैसेज जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज किसी भी सूरत में हो सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट होता है। देन सेंडर, सेंडर एक कंप्यूटर होगा जो कि इस आपके मैसेज को, आपके इस डेटा को भेजने वाला होगा। रिसीवर भी एक कंप्यूटर दूसरे एंड पर होगा जो कि इस डेटा को लेगा, यानी कि इस डेटा को अपने पास सेव करेगा, यानी कि डेस्टिनेशन आपका जो होगा ये आपका रिसीवर होगा। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई एक साइड पर सेंडर होगा, दूसरी साइड पर आपका रिसीवर होगा, और इनके बीच में कनेक्शन करवाने वाला क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम होगा। अब ये हो सकता है वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, तारों का इस्तेमाल किया जाए फिर, या फिर सिग्नल्स का इस्तेमाल करके आपका डेटा सेंड किया जाए। उसके बाद आते हैं सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब सेंडर की तरफ से भी रूल्स होंगे और रिसीवर की तरफ भी रूल्स ही होंगे जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही बनाए हुए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल वर्ड्स में, टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन वेरियस सेट ऑफ रूल्स हैड बीन ऑलरेडी डिजाइन्ड बाय डिजाइनर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जिन्होंने बनाया है तो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, विच प्रेजेंट ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दीज आर डिफाइंड एज प्रोटोकॉल। अब ये जो आपके पास जितने भी रूल्स हैं इनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, इनको नाम दिया गया है, और ये समझे कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में एक एग्रीमेंट भी होता है।
अब ये सेट ऑफ रूल्स कौन कौन से होते हैं, सिंपली यहाँ पर मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है या प्रोटोकॉल्स हैं वो लिखे हैं। SMTP जब हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के लिए हम IP एड्रेस, आपको पता होगा आप IP एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है DTLS डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो देखिए ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए या नेटवर्क बनाने के लिए। सिंपली अगर आप नेटवर्क अपने कंप्यूटर लैब के अंदर बनाते हैं तो भी ये रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप इंटरनेट चलाते हैं तो भी ये रूल्स आप अप्लाई करते हैं। अब ये लाजमी नहीं कि सारे के सारे रूल्स हों, नहीं, जिस तरह का डेटा आपका होगा उस तरह का आपने सेट ऑफ रूल्स वो इस्तेमाल होता है, वो हमको तो नज़र नहीं आता लेकिन बैकग्राउंड में इनको फॉलो ज़रूर किया जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.comic.com विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।